नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना स्थित उनके पार्टी कार्यालय को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस देते हुए 7 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया था। इस पर पार्टी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब मंगलवार को कोर्ट ने पार्टी को 15 दिनों का समय देते हुए 13 नवंबर तक स्टे लगा दिया है। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ में मंगलवार को लंबी बहस चली, जिनमें भवन निर्माण विभाग की ओर से एडवोकेट पीके शाही और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वकील आशीष गिरी एवं वाई बी गिरी ने दलील रखी। अंत में कोर्ट ने यह निर्णय लेते हुए 13 नवंबर तक स्टे ऑर्डर दे दिया। न्यायालय के पास फैसले से पार्टी नेताओं ने थोड़ी राहत की सांस ली। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, अगर यह कार्यालय नहीं मिलता तो कोई भी दूसरा कार्यालय हमें मिलेगा, हमें मंजूर होगा। श्रवण अग्रवाल ने कहा, जो हमारा तर्क था, जो न्याय संगत था, हम अपनी बात को रख रहे थे। हम लोगों को बिहार में स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, उस नाते अगर स्टेट पार्टी का दर्जा है तो कार्यालय मिलना चाहिए। यदि कहीं और भी कार्यालय मिलता है तो चलेगा। यह जरूरी नहीं कि हम लोगों को यही कार्यालय चाहिए। हम लोगों को तो कार्यालय चलाने से मतलब है। आपको यहाँ ये बता दें कि भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार के संयुक्त सचिव सह सक्षम प्राधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से 22 अक्टूबर 2024 की तारीख में एक पत्र जारी हुआ था। उसमें पशुपति पारस की पार्टी को कहा गया है कि 7 दिनों में भवन खाली कर दें। अगर 7 दिनों में भवन खाली नहीं किया जाता तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो बिहार के अंदर फिलहाल 4 सीटों पर उपचुनाव नजदीक हैं और ऐसे में अगले साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले जिस तरह से पशुपति पारस की पार्टी के कार्यालय को लेकर अब सियासी खींचतान मचती हुई नजर आ रही है और मामला कोर्ट में है। फिलहाल यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ आदेश निर्देश आते हैं और ऐसे में क्या पशुपति पारस को बिहार में होने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।